तो अभी अभी भाई टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की बड़ी मियां छोटी मियां का ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है, और ट्रेलर को देखने के बाद मेरे दिल से पहला आवाज यही निकलता हुआ दिखाई दिया कि टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार एक बड़े ही मिशन पे जा रहे हैं। ये मिशन कोई और नहीं, ये मिशन यही है कि बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख देना है यार, लिटरली यार। मतलब जाके एक बार ये फिल्म का ट्रेलर को देखो, तुम्हें कहीं से भी ये फील होगा कि तुम एक जस्ट एक इंडियन फिल्म का ट्रेलर को देख रहे हो। जब भी मैं ये फिल्म का ट्रेलर को देख रहा था भाई, मेरे को तो अंदर से कहीं से भी एक भी ऐसा सिक्वेंस के जरिए नहीं लगा था कि हाँ कि मैं एक किसी भी बॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर को देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बड़ी होते ना कि मेगा बजट वाली ना हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर को देख रहा हूँ। और भाई ये चीज़ों के लिए भाई इस फिल्म का जो डायरेक्टर है अली अब्बास जाफर, उनको एक सैल्यूट तो बनता है यार कि उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से भाई ट्रेलर की कटिंग करी है, और जो भी चीज़ों को भाई ट्रेलर में दिखाया है वो देख के भाई फील आ रहा है भाई ये फिल्म को देखने के लिए, एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ रही है इस फिल्म को देखने के लिए यार। जिस तरीके से भाई इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन की वॉइस से ट्रेलर स्टार्ट होता है, ओ माय गॉड, ओह, मतलब जितनी भी तारीफ करो उतना कम है यार। तो यहाँ डायरेक्टर की एक सबसे बड़ी मेरे को अच्छी चीज़ ये लगा है कि ये फिल्म में ना विलन को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया हुआ है कि भाई ये ऐसा विलन है जिसको बदला लेना है, और ये इंसान एक ऐसा मतलब तबाही वाला एक एलिमेंट बनाया हुआ है, एक ऐसा तबाही वाला बॉम्ब बनाया हुआ है जो भाई तबाह करने वाला है इंडिया को, और इसी चीज को रोकेंगे अपने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। ये तो भाई एक थोड़ा सटकेला है विलन, इससे ज्यादा बड़ा सटकेला नहीं, ये दोनों है टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार। अच्छा लगा है मैन, अच्छा लगा, हर एक चीज अच्छी लगी है ट्रेलर की। और अच्छी बात ये है ना भाई कि ट्रेलर में ना लास्ट में ना टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की ना दो दो हाथ को दिखाया गया है। अगर तुम लोग याद होगा मैंने पिछले वाले वीडियो में तुम लोगों को बताया हुआ था कि अगर ट्रेलर में मेकर्स अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की दो दो हाथ दिखा देंगे फिर तो भाई पब्लिक ऐसे ही भाई पागल हो गए इस फिल्म को देखने से आएगी, और ये चीजें भाई सही हुआ कि हाँ मेकर्स ये चीजों को डाला है अक्षय कुमार वर्सेस टाइगर श्रॉफ, देख के मजा आ जाएगा। इसके अलावा भाई जितने भी इसके एक्शन सीक्वेंस को डाले गए हैं, चाहे वो अक्षय कुमार वो बॉम्ब लेके हेलीकॉप्टर को ऐसे उड़ा देते हैं वो वाला सीक्वेंस, इसके अलावा भाई ये दोनों जाते हैं पीछे एकदम ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, ये चीजें भाई गुजुम दिलाती है, ये चीजें इंडिकेट करती है ना कि अभी से पहले जितनी भी फिल्में रिलीज हुए हैं ना उनसे सारी फिल्मों का रिकॉर्ड टूटने वाला है मैन, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही तबाही लेके आने वाली है इस ईद में। जितने भी टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के फैंस लोग हैं ना भाई ये फिल्म को भर भर के देखने वाला है। इनफैक्ट जो सलमान खान के फैंस लोग हैं वो लोग भी इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार देने वाला है, क्योंकि वो लोगों को पता है इस बार ईद ही अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों मिलके देने वाले हैं, और ये ना डबल ईद ही होने वाला है। इसके अलावा भाई मैं तुमको बार बार बोलता था कि हाँ पठान का रिकॉर्ड टूटने वाला है, तो लो भाई अभी तुम जाकर ट्रेलर को देखो देन तुम लोग डिसाइड कर लो कि पठान का रिकॉर्ड टूटने वाला है या नहीं है। भाई मेरे वजह से भाई पठान का रिकॉर्ड धुआं धुआं होने वाला है। तो ये वाले वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं, जल्दी एक मैं तगड़ा वाला वीडियो बनाने वाला हूँ, एक एक चीज पे बात करेंगे, मतलब ट्रेलर का ना ब्रेकडाउन करने वाला मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ यार। उसके लिए भाई तुम लोग थोड़ा वेट करना, थोड़ा नहीं अगला वीडियो ही आने वाला है। बाकी तुम लोग ये फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा यार, तुम लोग ये फिल्म का ट्रेलर में कौन सा ऐसा चीज है, मीन्स कौन सा ऐसा सीन ना तुम लोग का दिल डायरेक्ट जीतता हुआ दिखाई दिया है, ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। बट हाँ एक बार और मैं तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहता हूँ थोड़ा कैमरे के पास आके कि भाई इस बार ना अक्षय कुमार फाड़ने वाले हैं बॉक्स ऑफिस को, और इसके साथ साथ ना टाइगर श्रॉफ भी फाड़ने वाले हैं यार, क्योंकि ट्रेलर बहुत ही अंगार है, बहुत ही अंगार है। एक जो ट्रेलर में होनी चाहिए ना जो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ों की फिल्म के ट्रेलर में डाला गया है, इससे बड़ा चीज़ें भाई, इससे बड़ी इससे बेहतर ट्रेलर नहीं हो सकते थे भाई। मजा आएगा देखने में यार कि एक सटकेले विलन को कैसे दो सटकेले इंसान रोकते हैं, पब्लिक देख के पागल हो जाने वाली है सारी चीजों को। ओपिनियन वन सेकंड तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा ही पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।